मिर्जा रहमत बेग गारु, चेयरमैन साहब आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है वो नहीं हो रहा है। तकरीबन एक साल से जो ग्रेटर हैदराबाद ने WESL जो कंपनी को अग्रीमेंट किया है वो लोग एक साल से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ग्रेटर हैदराबाद में 6 जोन है, 6 जोन इतना बड़ा एरिया है, जैसा कि चार मीनार जोन हो या खैरताबाद जोन हो, शेर निगमपल्ली जोन हो या सिकंदराबाद जोन हो या ईस्ट जोन हो, तो इन एरियों में कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट होने की वजह यही है कि रातों में अंधेरा रहने की वजह से, और इसमें कई नेशनल हाईवे रोड भी है और सिटी के मेन चौरसे हैं, वहाँ पर हाईमार्क्स जो बिग हाईमार्क्स रहते हैं वो बंद है, और ख़ास तौर पर जो सेंटर मीडिया लाइट जो रहती है बड़े बड़े रोडों के ऊपर वो बंद है। दूसरी चीज़, जो बस्तियों में जो लोकेलिटी में जो मेंटेनेंस जो रहता है इलेक्ट्रिकल का, स्ट्रीट लाइट का, वो भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है साहब। तो मैं आपके ज़रिए हमारे इंचार्ज मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद अपना तेलंगाना का बहुत बड़ा अपना ये शहर है, इसको अपन चमकाने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हुकूमत पैसा दे रही है मगर काम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर WESL वालों से बात करके इसको जल्द से जल्द कराने से शहर हैदराबाद की आवाम को बहुत सहूलत होगी, क्योंकि मेरा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि ये शहर में पूरे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरों को इससे सहूलत पहुँचेगी। दूसरी चीज़, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं अंधेरे की वजह से, तो इसके ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। बारहा हमारे कायद मुखन्ना मोहतरम मुखाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर से बात करे थे साहब। शुक्रिया। एम एस प्रभाकर गारू।